हम से हट के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 100 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे। शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बदलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्रीचार्ज का जमाना है। चाहे मुश्किल JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सो फिर से आज हम एक नए सेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। बात करेंगे हम न्यूट्री चार्ज व्यू की। जब भी हम आंखों की बात करते हैं या शरीर के किसी भी अंग की बात करते हैं, तो दो चीजें जरूरी हैं। पहला न्यूट्रिशन जो है 70% जरूरी है, और दूसरा एक्सरसाइज। हर चीज के लिए व्यायाम होता है, आंखों के लिए भी व्यायाम होता है। और व्यायाम और हेल्थ टिप्स तो हम रोज सुबह के प्रोग्राम में डिस्कस कर ही रहे हैं, जान ही रहे हैं उनके बारे में, आगे भी हम जानते रहेंगे। आज जो जरूरी है हमारे लिए जानना, वो ये है कि न्यूट्री चार्ज व्यू हमारी आंखों के लिए मदद कैसे कर सकता है। तो आप एक नोटबुक और पेन को लेकर बैठें। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमने आपसे नहीं कही हैं, कुछ नई रिसर्च हुई है जिसको हम आपके सामने आज पेश करने जा रहे हैं। तो आप
कॉपी पेन लेकर के बैठें ताकि आप पॉइंट्स को नोट कर पाएं। और न्यूट्रीचार्ज व्यू के संबंध में जितने भी सवाल हमारे पास अब तक आते रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि आज के इस सेशन से काफ़ी हद तक हम आपके उन सवालों के जवाब इस सेशन के थ्रू दे पाएं। आइए शुरू करते हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू हमारी आंखें खूबसूरती का एक पैमाना है, न सिर्फ खूबसूरती का पैमाना है बल्कि हमारी आंखें तो हमारे लिए दुनिया को देखने के लिए दरवाजा है, हमारी आंखें हमारा गेटवे है। लेकिन क्या होता है, जैसे हर अंग की अहमियत तभी पता चलती है जब उस अंग में हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसी तरह से आंखों की अहमियत का एहसास भी तभी होता है जब या तो हमें थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देने लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि धुंधला आपको पूरे दिन दिखाई देने लगे, कई बार ऐसा होता है कुछ देर के लिए धुंधला दिखाई देता है, उसके बाद अगर आप आंखें बंद करके थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं तो धुंधलापन चला भी जाता है। कई बार हमें देखने के लिए आँखों को सिकोड़ना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि आँखों में कुछ है जो वीक हो रही है, हमारी आई साइट वीक हो रही है। या फिर छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है अगर हमारे बच्चों को, तो हमें लगता है कि अरे अरे हमारे बच्चों को चश्मा लग गया, अब हमें आंखों के लिए कुछ करना चाहिए। या जब उम्र बढ़ती है तो चश्मा लग जाता है। यूजुअली क्या होता है, जब बड़ी उम्र में चश्मा लगता है तो लोग कहते हैं 40 के बाद तो चश्मा लगना बिल्कुल ज़रूरी है, वाजिब है, लगता ही है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों के कॉम्बिनेशन से अपनी आँखों का ध्यान रखेंगे तो मुमकिन है कि आपको 40 के भी बहुत सालों बाद तक चश्मा न लगे। हमारी आँखों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचता है वो पहुँचता है हानिकारक नीली किरणों से। देखिए लाइट जो है वो 7 रंगों की बनती है, ये हम सब ने सीखा है। इसमें से बाकी सारी लाइट को तो हमारा रेटिना जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, मगर हमारी आँखों का लेंस और रेटिना जो है वो नीली किरणों को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाते हैं। और इसलिए क्या होता है कि ये जो तेज़ ऊर्जा वाली नीली किरणें होती हैं, जो जितनी 7 रंग होते हैं बाकी किरणें इतनी तेज़ ऊर्जा के साथ नहीं आती हैं, लेकिन जो नीली किरणें होती हैं उनकी ऊर्जा बहुत तेज़ होती है। तो ये जो तेज़ ऊर्जा वाली नीली किरणें होती हैं वो आँखों को बहुत गहराई तक भेदती हैं। जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, आपको 7 रंग दिखाई दे रहे हैं और इसमें से आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर की लाइट है वो लेंस को पार करके पीछे मैक्यूला तक पहुंच जाती है। इसी को रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसी ये रुकेगा कैसे, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। तो इससे क्या होता है, जब मैक्यूला तक, यहाँ जैसे मैक्यूला तक लाइट पहुँच गई है जो पीछे आप एरो देख रहे हैं, तो क्या होता है हमारी आँखों की संरचना बिगड़ सकती है। जब आँखों की संरचना बिगड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, कैटरैक्ट भी हो सकता है, जो उम्र के साथ जो दृष्टि कमज़ोर होती है, हमारी जो चश्मा लगता है जिसको हम एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन भी कहते हैं, जो मैक्यूला वीक हो रहा है वो सब नीली किरणों की वजह से हो रहा है। नीली किरणें एक बहुत बड़ा कारण है आँखों की कमज़ोर होने का। अब ये एक नया रिसर्च फाइंडिंग है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पहली बार हम इस पर बात कर रहे हैं। और ये रिसर्च जो है, जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन हमें सप्लाई करते हैं, ओमनी एक्टिव, ये ओमनी एक्टिव की रिसर्च से लिया गया है, ये उन्होंने हमें भेजा है। तो और अगर आप ये रिसर्च देखना चाहें तो सब कुछ पब्लिक स्पेस में अवेलेबल है। इस रिसर्च के हिसाब से बचपन में जो है स्थिति, आँखों की स्थिति, आँखों में ब्लू रेज को पहुँचने की जो स्थिति है, ये और भी चिंताजनक होती है, क्योंकि आँखों के लेंस में पाया जाने वाला एक पिगमेंट जो है वो 12 वर्ष की उम्र के बाद ही विकसित होता है, ये नेचुरल है। तो जो मैक्यूलर डेंसिटी है, जिसको MOPD कहा जाता है, मैक्यूलर डेंसिटी जो है बच्चों के अंदर वो कम होती है, वो 12 साल के बाद ही बढ़ना शुरू होती है। और इस वजह से क्या होता है, इस पिगमेंट के बिना बच्चों की आँखों के मैक्यूला में जो नीली किरणें हैं उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑक्सीडेंट्स के जमा होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि
बच्चों की जो आंखें बहुत कोमल निर्मल होती हैं, उसमें पिगमेंट डेवलप नहीं हुआ होता है, उनकी आंखों को नीली किरणों से नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंच सकता है, उसकी संभावना ज़्यादा होती है। अब इसको अवॉइड करने का तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप्स, आईपैड्स, ई बुक्स सबसे दूर रखें, तो ये आज के ज़माने में तो मुमकिन नहीं है, और स्पेशली इस लॉकडाउन के वक्त में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि सब बच्चों की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, सबको 6-6, 7-7 घंटे बच्चों को आजकल इसके लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने बैठकर अपनी क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, तो नीली किरणें लगातार उनकी आंखों में जा रही है। तो अगर अवॉइड करना मुमकिन नहीं है तो फिर सल्यूशन क्या है, वही आज हम समझ रहे हैं। तो ये नीली किरणें जो यूजुअली अगर एक वयस्क की आंखों में जाएगी तो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से तो फिल्टर की जा सकती हैं, मगर बच्चों के मैक्यूला तक बिना फिल्टर हुए पहुंच जाती हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उनकी आंखों में पिगमेंट विकसित नहीं हुआ होता है। तो ये ब्लू रेज, नीली किरणें बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। आइए, ये भी हमें ओमनी एक्टिव से रिसर्च से ही पता चला है, और आप नीचे देखेंगे स्लाइड में कहाँ की रिसर्च है उसका नाम भी दिया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा, नोट करते रहें ये फैक्ट्स, क्योंकि ये पहली बार हम आपको बता रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि लंबी अवधि तक अगर आप नीली किरणों के संपर्क में रहते हैं, मतलब अगर एक्सपोजर होता रहता है लंबी अवधि तक, तो आँखों पर क्या दुष्प्रभाव पहुँचता है, और हमारे हिसाब से लंबी अवधि है 2 घंटे से ज़्यादा। अगर आप लगातार 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी डिवाइस के सामने हैं, चाहे वो टीवी है, चाहे स्मार्टफोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे ई बुक है, किंडल वगैरह है, या चाहे आपके पास आईपैड है, किसी भी तरह का जो भी डिवाइस है, अगर आप उसके सामने 2 घंटे लगातार बैठ रहे हैं तो दुष्प्रभाव क्या होता है, देखिए बच्चों पर क्या दुष्प्रभाव होता है। 9.1% आँखों पर जोर ज़्यादा पड़ता है, आँखों में सूखापन बढ़ जाता है, और आँखों में जलन होने लगती है। 9.1% ये बढ़ जाती है। 15.2% ध्यान देने की अवधि जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्लू रेज हमारे कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी इंटरफेयर कर सकती हैं। तो 15.2% कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान देने की जो एकाग्रता की क्षमता होती है बच्चों की, वो कम हो जाती है। तीसरा, व्यवहार बिगड़ जाता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। 13.5% व्यवहार बिगड़ जाता है। 8.8% ये बदलाव आता है कि सिर में दर्द होने लगता है, और 5% ये बदलाव आता है कि गर्दन और कंधों में दर्द होने लगता है, क्योंकि आप कभी भी जब आप लैपटॉप के सामने है, इसका नाम ही लैपटॉप है, मतलब गोद में रखने वाला यंत्र है, तो जब आप गोद में रखते हैं तो कभी वो आपकी आंखों के लेवल के सामने नहीं होता है, आप या तो नीचे देख रहे होते हैं, या यूजुअली नीचे ही देख रहे होते हैं, या आजकल तो बच्चे लेटे लेटे भी देखते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, गर्दन और कंधों में दर्द हो जाता है, क्योंकि पॉस्चर सही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे लैपटॉप पर क्लास ले भी रहे हैं अपनी, या मोबाइल पर भी ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें टेबल और चेयर पर बैठ कर के क्लास लेने की आदत डालें, ताकि उनका पोस्चर सीधा रहेगा तो उनकी गर्दन और कंधों में दर्द नहीं होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 घंटे से ज्यादा में ये असर हो जाता है। सोचिए, अगर 6-7 घंटे तो सिर्फ क्लास ली जा रही है, स्कूल की क्लासेस हो रही हैं, और उसके अलावा क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर जाना मुमकिन नहीं है, तो हम टीवी पर या मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, या मूवी देख रहे हैं, या कोई अपना मनपसंद टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो एक्चुअली हम ऑलमोस्ट 8-10 घंटे किसी भी डिवाइस के सामने बैठे हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2 घंटे में असर ये हो सकता है, तो 10 घंटे में क्या असर होने वाला है, और रोज़ाना 10 घंटे में बच्चों की आँखों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। और रुकिए रुकिए, मैं आपको वयस्कों की आँखों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वो भी बताना चाहती हूँ। फिर से 2 घंटे लगातार देखने पर क्या होता है, 32% आँखों पर जो है जोर पड़ता है, बढ़ता है, इंक्रीजेस, द प्रेशर ऑन द आईज इंक्रीजेस बाय 32%। 22.7% आँखों में सूखापन आ जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पूरे दिन, अगर आपका वक्त
टीवी के सामने या मोबाइल लैपटॉप के सामने बीतता है, तो शाम होते होते आपकी आँखों में थोड़ी जलन होती है, आँखें ड्राई होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। 21.4% लोगों 4% सिर में दर्द में बढ़त हो जाती है। ये ब्लू रेज इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये आपके सिर में दर्द भी पैदा कर सकती हैं। और अगर बाय चांस आपको माइग्रेन हो रहा हो और आप अगर मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठ जाएं, तो वो माइग्रेन बहुत जल्दी बढ़ेगा आपका उसी वक्त, क्योंकि नीली किरणें बहुत ज़्यादा माइग्रेन को एग्रवेट करती है। दृष्टि में धुंधलापन भी आता है, जैसा मैंने आपसे कहा, जरूरी नहीं है कि लगातार आपकी दृष्टि धुंधली बनी रहे, मगर कुछ कुछ अवधि के लिए धुंधलापन आ सकता है। शाम होते होते शायद आपको ऐसा लगेगा अब आंखें बंद कर ली जाएं, अब कुछ और देखना नहीं है क्योंकि धुंधला दिखाई दे रहा है। गर्दन और कंधों में दर्द होना वाजिब है, क्योंकि हम भी कभी भी टेबल पर बैठ करके बात नहीं करते हैं या अपनी कॉल नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, हम यूजुअली कुर्सी पर बैठे हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, आड़ा टेढ़ा, जैसे हमें कंफर्टेबल लग रहा होता है हम वैसा कर रहे होते हैं। मोबाइल तो कोई भी टेबल पर स्टैंड रख के मोबाइल नहीं देखता है, सब जने गर्दन झुका कर ही देखते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, गर्दन और कंधों में दर्द जो है वो बढ़ रहा है। अब नीली किरणों से हो क्या रहा है वो देखें हम। हमारी आंखें शुष्क हो जाती हैं, जैसा हमने अभी देखा, धुंधला दिखाई देने लगता है, हमारी आंखें थक जाती हैं। आई एम श्योर इन सब चीज़ों से आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे साथ रोज़ाना हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हमने इसे भी नॉर्मल मान लिया है। आँखों का थकना या आपकी इच्छा होना कि आप आँखों को शाम होते होते सहलाने लग जाएं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सपोजर ब्लू लाइट से बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा सिर में दर्द होने लगता है। लंबे समय तक आप जब नीली किरणों के संपर्क में आते रहते हैं, तो धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम होने लगती है। एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे कुछ सालों में आपकी आँखों की रोशनी कम होने लगती है। आँखों के रेटिना में क्या होता है, एक मैक्यूला नामक क्षेत्र है, जो आपने इतनी देर से मेरे मुंह से मैक्यूला शब्द सुना है। ये मैक्यूला अगर आप देखेंगे तो लेंस के बिल्कुल पीछे, आप देखेंगे आँख के बिल्कुल पीछे मैक्यूला नाम का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की वजह से हमें साफ दिखाई देता है, और इस क्षेत्र में ही ल्यूटीन और जियाजेंथीन, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट कैरोनॉइड्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ये इसी क्षेत्र में जमा होते हैं और ये मदद करते हैं हमें साफ देखने के लिए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बढ़ती उम्र के साथ जो रेटिना में मैक्यूला की क्षति होती है, वो इसलिए भी होती है, जब आप नीली किरणों से के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं तो क्षति ज़्यादा होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल बच्चों को चश्मा जल्दी लगने लगा है, और डॉक्टर्स यूजुअली बोलते हैं टीवी ज़्यादा देखते होंगे इसलिए चश्मा लगा। जी, टीवी ज़्यादा देखने से ही लगा, मगर उसकी टीवी ज़्यादा देखने से हुआ क्या, टीवी ज़्यादा देखने से ये हुआ कि उसकी जो नीली किरणें थी वो लगातार मैक्यूला तक पहुँचती रही, और इसलिए मैक्यूला जो है वो साफ देखना कम होने लगा उसके थ्रू, और इसलिए चश्मा लगा। तो जो ये हम बोलते हैं टीवी की वजह से लग रहा है, या डॉक्टर्स बोलते हैं मोबाइल और लैपटॉप पर कम बिठाइए, उसकी वजह ये है कि नीली किरणें आँखों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो क्या होता है जब ये नीली किरणें नुकसान पहुंचाती रहती हैं लगातार, तो ऑब्वियस है कि धीरे धीरे आँखों की रोशनी खत्म भी हो सकती है। एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको आपकी आँखों को दिखना बंद हो जाए। ये एकदम से नहीं होगा, बिल्कुल ना घबराएं, ये बहुत वक्त में होता है, मगर मुमकिन है। तो क्योंकि हम आज जिस स्थिति में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सब का प्रिवेंशन, इस सब को रोकना मुमकिन है, तो हम उस पर बात करेंगे कि सबको रोका कैसे जा सकता है। पहले समझते हैं नीली किरणें निकलती कहाँ से हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ टीवी से निकलती हैं, मोबाइल से निकलती हैं, आईपैड से निकलती हैं, ई बुक से निकलती हैं, तो क्या कुछ और भी, तो क्या सिर्फ लैपटॉप और टीवी आने के बाद ही हमें नीली किरणों से नुकसान पहुँचने लगा? जी नहीं, नीली किरणें जो हैं सूर्य से निकलती हैं, सबसे बड़ा सोर्स है नीली किरणों का। इसी तरह से टेलीविजन से निकलती हैं, आपके घर में जो एलईडी और फ्लोरोसेंट लाइट्स लगाई जा रही हैं, आजकल सब जने बात कर रहे हैं कि एलईडी लाइट लगानी चाहिए, तो उनसे भी नीली किरणें निकलती हैं।
लैपटॉप से निकलती हैं, ई बुक्स और आईपैड से निकलती हैं और मोबाइल से निकलती हैं। तो फिर सूरज तो हमारे पैदा होने से पहले से भी है, तो फिर सूरज से इतना नुकसान क्यों नहीं हुआ? दो वजहें हैं। पहली वजह तो ये है, सूरज बहुत दूर है, उसकी किरणें जब तक हम तक पहुंचती हैं तब तक काफ़ी हद तक शांत हो चुकी होती हैं। और दूसरी चीज़ हम जो कर रहे हैं, हम सूर्य से निकली किरणों से बचने के लिए यूजुअली जब धूप में बाहर जाते हैं तो धूप के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी आँखों को थोड़ा बचाव हो जाता है। जब हम टीवी देखने बैठते हैं तो डॉक्टर्स ने आपको हमेशा सलाह दी है, आपके पेरेंट्स ने सलाह दी है, आप अपने बच्चों को सलाह देते होंगे, दूर बैठ करके टीवी देखो। कारण हमने कभी समझना नहीं चाहा, मगर दूर बैठ करके टीवी ज़रूर देखने की आदत डाली गई है। कम से कम 6 फीट की दूरी रखने की सलाह हमें हमेशा दी जाती रही है। लेकिन लैपटॉप और मोबाइल जो है, एक तो उनकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, आप अगर दूर बैठेंगे तो दिखाई देगा ही नहीं। अभी अगर मैं लैपटॉप से दूर, बहुत दूर बैठूंगी तो आप मुझे ना तो ठीक से देख पाएंगे और ना ठीक से सुन पाएंगे, इसलिए मजबूरी है कि हम लैपटॉप और मोबाइल के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल सामने बैठते हैं और वक्त भी बहुत ज़्यादा बिताते हैं इनके साथ में। आप टीवी पर, आप 12 घंटे टीवी नहीं देखते मगर 12 घंटे मोबाइल ज़रूर देखते हैं। इनफैक्ट हम सोने से पहले भी लास्ट जो देखते हैं वो मोबाइल देखते हैं और बंद कर देते हैं। सुबह उठते ही सोचिए, जब आंखें बिल्कुल शांत रही हैं पूरी रात, आंखों को रेस्ट मिला है, आंखों को आप, हम धीरे धीरे, हमें खोलना चाहिए, धीरे धीरे हमें सूर्य की रोशनी अंदर लेनी चाहिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उठते ही मोबाइल खोलते हैं। तो जो आँखों को आपने शांति प्रदान की, आपने इमीडिएटली ब्लू लाइट से अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाया। और आपने नोटिस किया होगा, जब आप सुबह मोबाइल ऑन करते हैं, स्क्रीन जब देखते हैं तो आपकी आंखें ऐसे ऐसे होती हैं, उसके बाद आपकी आंखें पूरी खुल पाती हैं। वो इसलिए क्योंकि इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी आंखों को हिट करती है और आंखों को वक्त लगता है एडजस्ट होने में। तो इसलिए नीली किरणों से हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो लैपटॉप, मोबाइल और आईपैड्स की से निकलने से हो रहा है, क्योंकि ये बहुत पास होते हैं हमारे। अब सवाल ये आता है, तो अब करना क्या है? जैसा मैंने बताया, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक्सरसाइज पर इस सेशन में हम बात नहीं कर रहे हैं, इस सेशन में हम न्यूट्रिशन पर बात कर रहे हैं जिसका रोल 70% होता है। तो हम पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो कौन से पोषक तत्व हैं? जी हाँ, ल्यूटीन और जियाजेंथीन। ल्यूटीन और जियाजेंथीन जो हैं प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों में मौजूद होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैक्यूला में मौजूद होते हैं। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये छोटा सा डॉट पीछे, ऑरेंज डॉट दिख रहा है आंख के अंदर, वो है मैक्यूला। और उस मैक्यूला में ये छोटे छोटे ल्यूटीन जियाजेंथीन, देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह मौजूद हैं। येलो कलर में ल्यूटीन है और जो रेडिश ऑरेंज कलर है उसमें जियाजेंथीन है। आप देखेंगे मैक्यूला में भी सेंटर में जो है वो जियाजेंथीन बहुत ज्यादा होता है और जो आसपास जो है उसमें ल्यूटीन ज्यादा होता है। तो जियाजेंथीन जो है, क्योंकि सेंटर में रहता है, थोड़ी कम मात्रा चाहिए। ल्यूटीन क्योंकि पूरे मैक्यूला के आसपास पूरे क्षेत्र में रहता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर ये प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों में मौजूद होते ही हैं, तो फिर हमें ल्यूटीन और जियाजेंथीन को बाहर से लेने की जरूरत ही क्यों है? आइए वो समझते हैं। क्या होता है, ये जब ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन जो है वो तेज ऊर्जा वाली नीली किरणों को आंखों के अंदर तक पहुंचने और उन्हें क्षति पहुंचाने से रोकते हैं, ये इनका काम है कि वो आंखों में नीली किरणों को न पहुंचने दें। इसका मतलब यह है कि आपकी आंखों में ल्यूटीन और जियाजेंथीन का जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो इन नीली किरणों को अंदर पहुंचने से रोक पाएं। और फ्री रेडिकल्स का जो हमारी आंखों पर असर होता है, ऑक्सीडेंट्स का जो असर होता है, उसको वो बेअसर करते हैं। आप देखेंगे ऑक्सीडेंट्स जो हैं हमारी शरीर में बहुत तरह से प्रवेश करते हैं, और जो शरीर में प्रवेश करता है वो आंखों में भी प्रवेश कर सकता है। सबसे बड़ा जरिया तो नीली किरणें ही हैं जिसके थ्रू हमारी आंखों में ऑक्सीडेंट्स जा रहे हैं। तो
और हमारी नजर को तेज बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैक्यूला वो क्षेत्र है जिसकी वजह से हमें साफ दिखाई देता है। तो अगर वहां पर ल्यूटीन और जियाजेंथीन का बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा तो आपकी नजर जो है वो तेज बनी रहेगी। तो जैसा मैंने कहा, ल्यूटीन और जियाजेंथीन प्राकृतिक तौर पर हमारी आंखों में मौजूद होते हैं, मगर उम्र के बढ़ने के साथ, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ हमारे शरीर में हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ह्रास होता है, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो बोन की डेंसिटी हो, चाहे वो स्किन की क्वालिटी हो, उसी तरह से चाहे वो मैक्यूला में इकट्ठा हुए ल्यूटीन और जियाजेंथीन हो, उम्र के साथ थोड़े से कम हो जाते हैं, मोटापे के कारण कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण कम हो जाते हैं। जैसे जैसे बीमारियां आती हैं शरीर में, वैसे वैसे अच्छे पोषक तत्वों का स्टॉक कम होता रहता है, या मैं ऐसे बोलूं, क्योंकि अच्छे पोषक तत्वों का स्टॉक कम होता रहता है इसलिए बीमारियां आती रहती हैं। आपकी मसल्स कम होंगी तो बीमारियां आएंगी, आपके शरीर में विटामिंस मिनरल्स कम होंगे तो बीमारियां आएंगी, DHA का लेवल कम होगा तो ल्यूटीन और जियाजेंथीन का लेवल कम होगा तो बीमारियां आना पॉसिबल है। तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, डायबिटीज़ के कारण, डायबिटीज़ और आँखों का तो बिल्कुल सीधा संबंध है, आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ होने के बाद में आँखों का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए, आहार में पर्याप्त फाइबर न लेने के कारण, बीड़ी सिगरेट पीने के कारण, क्योंकि जब आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो आप पूरी तरह से ऑक्सीडेंट्स को अपने अंदर बिल्कुल डायरेक्टली ही लेकर जा रहे हैं, हल्के रंग की आंखों वालों में, ये एक नई रिसर्च है जो हमें पता चली है कि जिनकी आंखों का रंग हल्का होता है, नीला होगा या भूरा होगा, या ये इतने सारे एग्जांपल्स जो हमने दिए हैं, इन हल्के रंग की आंखों वालों में नीली किरणों से नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है। आहार में ल्यूटीन और जियाजेंथीन की कमी के कारण, इनफैक्ट हमारे रूटीन के आहार में ल्यूटीन और जियाजेंथीन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, क्योंकि खाने की कौन सी चीज़ों में मिलता है, देखिए हरी सब्जियों में, पालक में बहुत ज़्यादा मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है, भुट्टे में मिलता है, गाजर में मिलता है, लेकिन क्या ये चीज़ें हमारे रोज़ के खाने का पार्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। बहुत इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम महीनों नहीं खाते हैं, और टॉक्सिन्स के कारण जो मैं आपको बता रही हूँ, जितने ऑक्सीडेंट्स टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं उनके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में ल्यूटीन और जियाजेंथीन की कमी आ जाती है। और जब आप मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि का भरपूर उपयोग करते हैं तो आपकी आंखों पर लगातार स्ट्रेस पड़ता है, लगातार दबाव बढ़ रहा है, तो जो स्टॉक आपकी आंखों में है भी वो लगातार यूज हो रहा है, तो ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है हम सबके लिए कि अगर किसी चीज़ का स्टॉक लगातार यूज़ हो रहा है तो लगातार उसको हमें भरना पड़ेगा, रिप्लेनिश करना पड़ेगा, ताकि हमारी आँखों की रोशनी ठीक रहे। अब रिसर्च ये कहते हैं कि आपको अपनी आँखों के रेटिना को ठीक रखने के लिए और उसमें जो ल्यूटीन की कमी है उसको पूरा करने के लिए रोज़ जो मात्रा चाहिए वो है 20 mg की मात्रा, यानी 20 mg ल्यूटीन आपको रोज़ाना चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, आपको 3 किलो गाजर खानी होगी रोज़ आना। और आप, हमने ये रिसर्च कहाँ से उठाई है ये भी हमने आपको अब देना शुरू किया, आप चाहें तो बिल्कुल उस लिंक पर जा कर के आप देख सकते हैं, रिसर्च में लिखा हुआ है, आप चाहें तो अपने आसपास के लोगों को, कस्टमर्स को, जिनको आप ये बात बताना चाह रहे हो, आप उन्हें ये रिसर्च दिखा सकते हैं। तो अगर आप रोज़ाना 3 किलो गाजर खा सकते हैं तो आपको 20 mg ल्यूटीन रोज़ मिल जाएगा। अब उसमें से एब्जॉर्ब कितना होगा इस बात पे हम बात नहीं कर रहे हैं, उसमें से मिल जाएगा आपके शरीर को, आपके शरीर में घुस जाएगा, ये पक्का है। एब्जॉर्ब बहुत सारी और कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप 3 किलो गाजर रोज खा सकते हैं तो वेरी गुड। साथ ही साथ रिसर्च से ये भी पता चला है कि रोज़ाना आपको जियाजेंथीन की 4 mg की मात्रा रोज़ चाहिए। इसके लिए आप
ब्रोकली खा सकते हैं, आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, आप यहाँ नंबर देखें 111 कप ब्रोकली, 41 ऑरेंज या फिर 2 किलो भुट्टे जिसमें करीब 5 से 6 भुट्टे आएंगे, आप ये खा सकते हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर आपने ये खा भी लिया, हो सकता है किसी को ऑरेंजेस बहुत पसंद हो या भुट्टे बहुत पसंद हो या ब्रोकली बहुत पसंद हो और आपको लगे कि आप रोज़ खा पाएंगे, आपने अगर एक दिन भी खा लिया तो भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। यही मैंने आपसे कहा, खाना तो है ही, इनको अपने शरीर में अवशोषित भी करवाना है अगर आपको लगता है कि आप ल्यूटीन और जियाजेंथीन अपनी डाइट से प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि रोजाना ये सब और इतनी मात्रा में खाना संभव ही नहीं है, इसलिए ल्यूटीन और जियाजेंथीन को जो है सप्लीमेंट्स द्वारा ही पूरा करना आवश्यक हो जाता है। आपकी बॉडी में जो स्टॉक है उसको बार बार रिप्लेनिश करने के लिए आपको कोई सप्लीमेंट ही चाहिए, और जब कोई सप्लीमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली है बेस्ट होना चाहिए आपके पास में। ये देखिए, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन से भरपूर पुरुषों और स्त्रियों में AMD यानी एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, यानी उम्र की वजह से, उम्र के बढ़ने के साथ जो मैक्यूला हमारा डीजेनरेट होने लगता है, उसमें जो कमजोरी आने लगती है, धुंधलापन आने लगता है, के कारण अंधे होने की 41% कम संभावना पाई गई। यानी जिन पुरुषों और महिलाओं के शरीर में ल्यूटीन और जियाजेंथीन की मात्रा भरपूर थी उनमें 41% संभावना कम पाई गई कि वे अंधे हो जाएंगे। तो इससे हमें बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन को हमें की मात्रा को हमें अच्छी तरह से अपनी आंखों में स्टॉक करके रखना है, स्टॉक को बना के रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन पाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप जानते हैं, आंखों की सुरक्षा और बचाव के लिए सिर्फ एक कैप्सूल ही काफी है। क्यों सिर्फ एक कैप्सूल काफी है? क्योंकि एक ही कैप्सूल में, हर एक कैप्सूल में डला है 20 mg ल्यूटीन, 4 mg जियाजेंथीन। ये भी एक नई इंफॉर्मेशन है जो हम आपको दे रहे हैं, अभी तक हमने इसको पैक पर भी डिक्लेयर नहीं किया है, कि 1 mg मेसोजियाजेंथीन भी डाला गया है। ये भी एक कैरोटेनॉइड है जो आंखों के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमने इसमें डाला है बीटा कैरोटीन, जो आप जाकर के आपकी आंखों में विटामिन ए को प्रमोट करता है, उसके बनाने में, उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और विटामिन ई जो है वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लिए डाले गए हैं। और 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है हमारा, बाहर का शेल भी वेजिटेरियन, अंदर का जो इसमें ये पूरा न्यूट्रीचार्ज व्यू का जो ऑयल या जो मैटर जो डाला गया है वो भी पूरी तरह से वेजिटेरियन है। तो इसका मतलब ये हुआ, यूजुअली जब हम बात करते हैं कि वेजिटेरियन है तो हमें ये लगता है सिर्फ वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, वेजिटेरियन ऐसी चीज़ है जो वे लोग भी ले सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, और वे लोग भी ले सकते हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, उल्टा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारी आंखों में जो ल्यूटीन और जियाजेंथीन है उनका जो प्राकृतिक अनुपात है वो 5:1 है। यानी ल्यूटीन अगर 5 की मात्रा में, 5 mg ल्यूटीन अगर मौजूद है तो जियाजेंथीन होगा 1 mg। इसी तरह से अगर 20 mg ल्यूटीन चाहिए तो जियाजेंथीन कितना चाहिए? 4 mg। इसीलिए हमने जो है इसी मात्रा में ल्यूटीन और जियाजेंथीन को डाला है, 20 mg ल्यूटीन, 4 mg जियाजेंथीन, ताकि इसका असर जो है बहुत अच्छा हो, ये आपकी बॉडी में जब स्टॉक हो तो बिल्कुल इसी प्रपोर्शन में स्टॉक हो जिस प्रपोर्शन में ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में होता है। सो इसमें जैसा मैंने आपसे कहा 20 mg ल्यूटीन है, 4 mg जियाजेंथीन है, और ये जो है लिया गया है ल्यूटामैक्स 2020 ब्रांड से। हमने ल्यूटीन और जियाजेंथीन लिया है ल्यूटामैक्स 2020 से। ये जो ब्रांड है ये विश्व विख्यात ब्रांड है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है इस ब्रांड से हमने लिया है? पहला तो ये US की ब्रांड है, इंडिया में किसी को सप्लाई करती नहीं है। मैंने शायद किसी एक सेशन में बताया था कि मैंने एक डॉक्टर को, यहाँ के ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट को जिसको मैं कंसल्ट करती हूँ, उनको मैंने न्यूट्रीचार्ज व्यू दिखाया,
तो उन्होंने अलट उलट पलट के देखा और बोला, अच्छा 20 mg ल्यूटीन दे रहे हो, 4 mg ज़ियाज़ेंथिन दे रहे हो। फिर बोला, फिर उन्होंने यहाँ देखा और बोला, मनीषा यार बहुत महंगा दे रहे हो। तो मैंने कहा महंगा कैसे लग रहा है आपको? तो बोले 10 कैप्सूल्स 540 रुपये में कोई भी नहीं लेगा। तो मैंने कहा नहीं सर, 30 कैप्सूल्स 540 रुपये में। तो बोले कि तो फिर इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? तो मैंने कहा क्योंकि न्यूट्रीचार्ज है, क्योंकि हम मार्जिन्स बहुत कम रखते हैं, क्योंकि हम वैल्यू फॉर मनी ऑफर करना चाहते हैं। तो बोले ल्यूटामैक्स 2020 ब्रांड किसी को सप्लाई करता नहीं है, तो आपको कैसे किया? तो मैंने कहा क्योंकि हमारी फिलॉसफी ही यही है कि हम मार्जिन्स कम रख करके अफोर्डेबल प्राइस में वैल्यू फॉर मनी अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को देंगे। और यही फिलॉसफी को समझ करके उन्होंने अपना ये ल्यूटामैक्स 2020 हमें सप्लाई करने के लिए हाँ भरा। और इनका जो स्रोत होता है ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन का, वो है गेंदे के फूल, प्राकृतिक सोर्स है, यानी कि प्लांट सोर्स है, यानी कि वीगन सोर्स है। और सबसे अच्छी बात है ये GMO मुक्त बीजों से उगाए जाते हैं। ये जो सनफ्लावर हैं, ये जो फूल हैं, ये GMO मुक्त बीजों से उगाए जाते हैं। GMO मुक्त का मतलब हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है उनसे उगाए जाते हैं। ऐसे बीज जिनके अनुवांशिक गुणों को कृत्रिम तरीके से बदला नहीं गया है, यानी जो नेचुरल गुण हैं सनफ्लावर के, सॉरी मैरीगोल्ड के, वो सारे नेचुरल गुण इन फूलों में मौजूद होते हैं जो ओमनी एक्टिव यूज करता है ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन बनाने के लिए और हमें सप्लाई करने के लिए। तो क्या होता है, खेतों से लेकर आप तक पहुंचने तक हर कदम पर इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। आज के सेशन के बाद हम आपको एक वीडियो भेजेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से खेतों से लेकर ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन जो है आप तक पहुंचता है, और किस तरह से ल्यूटामैक्स 2020 वाले जो लोग हैं वो उसकी क्वालिटी को हर स्टेप पर कंट्रोल करके रखते हैं। उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो को आप आगे अपने लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि उन्हें पता चले कि जो डाला गया है, इंग्रेडिएंट जो डाला गया है वो पूरी तरह से नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है। इसके ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन के जो लाभ हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला लाभ, जैसा आप मैंने आपको बताया, नीली किरणों से आंखों को होने वाली क्षति को रोकता है। आंखों में होने वाली जो शुष्कता है, ड्राइनेस जो आ जाती है, उसको रोकता है। लंबे समय तक अगर आप सेवन करते रहेंगे तो उम्र के कारण होने वाली जो नज़र की कमजोरी है उसको डिले कर सकता है। मतलब अगर जिस तरह से आपने अपनी आंखों का अब तक ध्यान रखा है और रूटीन में ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन नहीं लिया है, तो अगर आपको चश्मा 42, 43 या 45 साल की उम्र में लगने वाला है, तो अब अगर आप ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन लेना शुरू कर देंगे, यानी न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना शुरू कर देंगे और लंबे समय तक लेते रहेंगे, तो आपका जो चश्मा 45 साल की उम्र में लगता वो डिले हो जाएगा, उसको वो विलंबित हो जाएगा, कुछ सालों बाद लगेगा। मैं भीलवाड़ा में किसी से मिली थी, उन्होंने मुझे आकर बताया, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कैलकटा के थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि, और 69 इयर्स उनकी उम्र थी, बोले मैंने साल भर से, जब से आपका न्यूट्रीचार्ज व्यू लॉन्च हुआ तब से मैंने न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना शुरू किया। और हमारा न्यूट्रीचार्ज व्यू लॉन्च हुआ था जनवरी 27 जनवरी 2019 को दिल्ली में। तो जब से लॉन्च हुआ है तब से मैं लगातार ले रहा हूँ, और अब मैं 69 की उम्र में, मुझे चश्मा लगा हुआ था, अब मैं बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकता हूँ, और उन्होंने मुझे वहाँ भीलवाड़ा में अखबार पढ़ के दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लंबे समय तक, ज़रूरी नहीं है कि एक साल को आप पैमाना ना माने, हो सकता है 8 महीने, हो सकता है 1.5 साल, डिपेंड करेगा आपकी आँखों की क्या स्थिति है। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने लंबे समय तक लिया तो मेरी आँखों से चश्मा, अब मैं बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकता हूँ। अगेन, इस बात की भी गारंटी नहीं है कि चश्मा हट जाएगा। आप कितना ध्यान रखते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना आप और अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये, इस बात मैंने आपसे इसलिए शेयर की, ये बताने के लिए कि ये मुमकिन है।
तो आंखों पर टॉक्सिन्स के हानिकारक असर को कम कर सकता है और लंबे समय तक सेवन द्वारा दृष्टि में सुधार हो सकता है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कैटरैक्ट का जो डेवलपमेंट होने लगता है उसको रोकने में मदद करता है, और इसके लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है, वो है बीसी सर का। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने जब आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जब दिखाया, तो उन्होंने बताया कि उनकी आंखों में थोड़ा सा कैटरेक्ट की शुरुआत होने लगी थी। तो उन्होंने 2 महीने तक न्यूट्रीचार्ज व्यू लिया, वो अभी भी ले रहे हैं, पर 2 महीने बाद जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि कैटरेक्ट का जो विकास होना शुरू हुआ था वो अब बंद हो गया है, खत्म हो गया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने का ये असर था, और ऐसा रिसर्चेस में भी लिखा गया है कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन जो है वो कैटरैक्ट को विकसित होने से रोकने में मदद करते हैं, एटलीस्ट डिले तो पक्का कर सकते हैं, विलंबित तो कर ही सकते हैं। कब लेना है, ये सवाल बार बार आ रहा है आप लोगों का कि कौन सा सप्लीमेंट कब लेना है। तो इस सेशन के एंड के बाद मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगी कि आप कौन सा सप्लीमेंट कब ले सकते हैं। ये न्यूट्रीचार्ज व्यू आपको खाना खाने के करीब आधा घंटे बाद लेना है, ये आपकी मर्जी है कि आप लंच के बाद लें या आप डिनर के बाद लें। मैं अपना न्यूट्रीचार्ज व्यू आज आपके सामने ले लेती हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली लंच के बाद लेती हूँ, तो आज मैं अगर आपने लेना शुरू नहीं किया है तो अभी से शुरू करें लेना। कितना लेना है, रोजाना 1 कैप्सूल। मैंने अपने एक सेशन में बताया था कि मैं फिलहाल 2 कैप्सूल रोज ले रही हूँ, पर मैं इसको बहुत लंबे वक्त तक नहीं लूँगी, करीब 15-20 दिन से महीना भर, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद मैं 1 ही कैप्सूल लूँगी। अभी 2 लेने की वजह यह है कि मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन के सामने रहती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मेरी आँखों को थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए मैंने 2 लेना शुरू किया है। मगर आप शुरुआत 1 से ही करें और 1 को भी आप लगातार लंबे समय तक लेते रहें। किस उम्र से लेना है, फिर से नोटबुक और पेन निकालिए, ये अगेन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसमें आपके बहुत सारे चेहरों पर हंसी आने वाली है, इसमें आपकी बहुत सारी तालियां बजने वाली हैं जो ऑफ कोर्स मैं सुन नहीं पाऊंगी, इसमें आप डेफिनेटली ये कहने वाले हैं यस यही चाहिए था। तो देखिए, इसका ल्यूटीन और जियाजेंथीन का कोई भी RDA तय नहीं है, रिसर्च से पता चलता है कि इतना ज़रूरी है। तो रिसर्च से पता चला 20 mg ल्यूटीन ज़रूरी है, 4 mg जियाजेंथीन ज़रूरी है। US क्योंकि इन सब चीज़ों में लीड करता है अमेरिका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है और कोई भी अथॉरिटी बिना रिसर्च के वहाँ कुछ बोलता नहीं है। आप यहाँ नीचे देखेंगे हमने रिसर्च पेपर्स के कुछ लिंक्स, कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन कर रखी हैं। उनके हिसाब से जो बच्चे 2 से 6 साल के बीच होते हैं और जो औरतें होती हैं और कुछ जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको कम से कम सब्जियों की 3 सर्विंग्स खानी चाहिए और फलों की 2 सर्विंग खानी चाहिए। यहाँ पर 1 सर्विंग का मतलब करीब 1 कप सब्जी और करीब 1 कप फ्रूट। तो 3 कप सब्जियाँ रोज खानी है, 1 कप में मैं मानती हूँ कि करीब 150 ग्राम चीज आती है, 150 से 200 के बीच में, तो करीब करीब 600 ग्राम तो सब्जियां और करीब करीब 400 ग्राम फ्रूट्स रोज, यानी 5 सर्विंग, करीब 1 किलो सर्विंग आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिला करके रोज खाना चाहिए। उससे कितना ल्यूटीन और जियाजेंथीन मिलेगा, 12 से 14 mg जियाजेंथीन उनको मिलेगा, यानी 2 से 6 साल के बच्चों को रोज 12 से 14 mg जियाजेंथीन और ल्यूटीन चाहिए, नहीं 2.5 सर्विंग से मिलेगा, मतलब 5 खानी चाहिए, अगर इसकी आधी मात्रा भी खाई तो आपको 12 से 14 mg ल्यूटीन और जियाजेंथीन मिल सकता है। अगर आपने पूरी 5 खाई तो पॉसिबल है कि आपको 24 से 28 mg मिल सकता है। अब हमारे घर में तो इतने फ्रूट्स और सब्जियां हम लोगों के यहाँ पर खाई नहीं जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी मात्रा चाहिए मगर खा नहीं रहे हैं। तो जब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रीचार्ज व्यू
लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप बड़ों का देखेंगे, ओल्डर चिल्ड्रन, टीन गर्ल्स, एक्टिव वुमेन, जो लेडीज बहुत एक्टिव होती हैं फिजिकली, और बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी पुरुष, उनको करीब 7 सर्विंग्स खानी है, 4 कप तो वेजिटेबल्स सब्जियां और 3 कप फ्रूट्स, यानी 7 कप ये टोटल खाने हैं, जिससे उनको 16-20 mg ल्यूटीन और जियाजेंथिन, इसकी आधी मात्रा, मतलब 3.5 अगर आपने कप खा लिया तो आपको 16-20 mg जियाजेंथिन और ल्यूटीन, सॉरी 16-20 mg ल्यूटीन और जियाजेंथिन आपको मिलने वाला है। तो इसी तरह से आप देखेंगे टीन बॉयज एंड एक्टिव मैन, तो जो टीन बॉयज हैं और जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले पुरुष हैं, उनको अगर वो 4.5 कप भी खा लेते हैं तो 20-24 mg रूटीन में उनको एवरीडे ये मिल सकता है। इसी के आधार पर हम आपसे ये कह रहे हैं आज कि आप 4 वर्ष की उम्र से 13 वर्ष की उम्र तक एक कैप्सूल 2 दिन में एक बार, वापस मेरी बात पूरी तरह से सुनिएगा, 4 वर्ष की उम्र से, हो सकता है बच्चा 4 वर्ष की उम्र में ये कैप्सूल नहीं ले पाता हो, तो जिस भी उम्र से ये बच्चा कैप्सूल ले पाए उस उम्र से आप दे सकते हैं। हाँ, इस कैप्सूल को पंक्चर करके इसके ऑयल को यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑयल होता है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये सब चीज़ें, आप एनवायरनमेंट के संपर्क में आएगा तो वो नुकसान कर सकता है, वो रैंसिड हो सकता है, खराब हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी पंक्चर करके किसी खाने की चीज़ में मत डालिए या मुंह में मत टपकाइए प्लीज़। जिस भी उम्र से बच्चा कैप्सूल लेने लग जाए, 4 वर्ष की उम्र से ज़्यादा, आप तब से लेकर 13 वर्ष की उम्र तक हर दूसरे दिन, मतलब ऑल्टरनेट डे, आप एक कैप्सूल दे सकते हैं, यानी अगर आप एक पैक उसके लिए खोलेंगे तो ये 2 महीने चलेगा। अब क्योंकि ल्यूटीन और जियाजेंथिन, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एकत्रित होता है, इसका स्टॉक जमा होता है हमारी आंखों में, तो 10 mg रोज बच्चे की आंखों में जमा होता रहेगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप 2 दिन में एक बार एक कैप्सूल अपने बच्चों को 4 से 13 साल के बीच में दे सकते हैं, और 13 वर्ष की उम्र से आप रोजाना एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज व्यू का उन्हें दे सकते हैं। किसको लेना चाहिए, जैसा मैंने अभी अभी हम बात ही कर रहे हैं, उन बच्चों को जो मोबाइल और लैपटॉप का प्रतिदिन इस्तेमाल जो है वो 2 घंटे से ज्यादा करते हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, हर चीज के लिए कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लेना चाहिए। ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रोजाना लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि जो लॉकडाउन में जो लोग हैं जो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं मगर जिनका सारा काम लैपटॉप और मोबाइल पर हो रहा है, उन्हें तो 100% न्यूट्रीचार्ज व्यू का इस्तेमाल करना ही चाहिए। जो विद्यार्थी, एक तो हुआ बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी भी हैं वो, मगर जो छोटे बच्चे, यहाँ विद्यार्थियों से मेरा मतलब है 18 साल से ऊपर, जो विद्यार्थी रोजाना लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें लेना चाहिए। जो गृहिणियाँ आजकल लैपटॉप और मोबाइल के जरिए नई टेक्नोलॉजी से तेजी से जुड़ रही हैं, जी हाँ, हम यूट्यूब पर भी जुड़ते हैं, हम व्हाट्सएप पर भी जुड़ते हैं, हम बहुत सारे वीडियोज़ देख करके नई नई डिशेज बनाना सीख रहे हैं, हम कुछ नई नई आर्ट की चीज़ें सीख रहे हैं, अपनी हॉबीज डेवलप कर रहे हैं स्पेशली लॉकडाउन के पीरियड में, तो वो गृहिणियां और वो महिलाएं जो भी मोबाइल को और लैपटॉप को का इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें ये लेना चाहिए। जो लोग अपने समय के सदुपयोग के लिए और अपने बच्चों से जुड़े रहने के लिए मोबाइल और आईपैड्स का इस्तेमाल करते हैं, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, सब अपने अपने घरों में कैद है, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है, हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी करते हैं, एक दूसरे को देखना भी चाहते हैं, हम जूम के जरिए जुड़ रहे हैं, हम गूगल मीट, हम बहुत सारी तरीके से एक दूसरे से जुड़कर रह रहे हैं, तो वे सब लोग जो इन गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको लेना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो मोबाइल लैपटॉप और आईपैड का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रीचार्ज व्यू हर एक को लेना ही चाहिए, क्योंकि आज आप जिसके हाथ में देखेंगे उसके हाथ में मोबाइल तो अवश्य होगा, और मैक्सिमम लोगों के हाथ में आजकल स्मार्टफोन होने ही लगा है। एक और रिसर्च के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, और उस पर हम अभी काम कर रहे हैं, शायद कुछ दिनों में हम आपके पास इसका एक पुख्ता
इसकी पुख्ता जानकारी लेकर आ पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन जो है वो बच्चों के मस्तिष्क के निर्माण में भी काम आता है, बहुत मदद करता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ल्यूटीन और जियाजेंथीन लेना चाहिए ताकि बच्चों की का मस्तिष्क का डेवलपमेंट और आँखों का डेवलपमेंट DHA भी मदद करता है आँखों के डेवलपमेंट में और आँखों के विकास में ल्यूटीन और जियाजेंथीन भी मदद करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा और इस पर रिसर्च करके कुछ दिनों में इस बात की पुख्ता जानकारी लेकर आपके पास फिर से आऊँगी। कब तक लेना है? जब तक आप मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जब तक ब्लू रेज आपकी आंखों में आ रही हैं, जब तक आपका संपर्क, आपका एक्सपोजर ब्लू रेज से बना हुआ है, ऑब्वियसली तब तक हमें लेना ही है। जब तब तक लेना है जब तक आप चाहते हैं कि आपकी आंखें रोशन रहें। लास्ट स्लाइड पर आए हैं हम, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी हमारे लिए सिर्फ पैसा कम, कॉस्ट कम होना बिल्कुल नहीं है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब है हर चीज पर रिटर्न अच्छा हो, बेनिफिट अच्छा हो और प्राइस उसके हिसाब से अच्छा हो, तो बैलेंस, कॉस्ट और बेनिफिट का बैलेंस जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ आप देखेंगे हमने 3 प्रोडक्ट्स के साथ न्यूट्रीचार्ज व्यू को कंपेयर किया है। हर प्रोडक्ट के हिसाब में आप देखेंगे किसी में भी 20 mg ल्यूटीन और जियाजेंथीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोडक्ट को के लेबल को पढ़ना सीखना पड़ेगा। अगर आप 3.2 mg ल्यूटीन वाले कैप्सूल का या टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू जितना ल्यूटीन पाने के लिए कम से कम 7 कैप्सूल्स लेने पड़ेंगे। तो लेबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लोग क्लेम करते हैं मगर मात्रा कितनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लेबल रीडिंग पर एक नया सेशन बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, मगर तब तक आप अगर किसी प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो लेबल को पढ़िए ज़रूर। इधर जियाजेंथीन आप देखें किसी भी कैप्सूल में एक को छोड़ करके किसी भी कैप्सूल में 4 mg जियाजेंथीन नहीं डला है। इनफैक्ट 2 में तो डला ही नहीं है और 1 में 5 mcg डला है, माइक्रोग्राम डला है। तो आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली कि न्यूट्रीचार्ज व्यू वैल्यू फॉर मनी है। कॉस्ट में भी आप देखेंगे तो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई है ही नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लेने हैं, जो आप लोगों ने पूछे हैं। कैन आई यूज दिस प्रोडक्ट इन मोतियाबिंद ग्लोकोमा? अगर आप किसी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप डॉक्टर से को दिखा कर ही आप इस प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट को लें। देखिए ये जो न्यूट्रिशन जो होता है वो एलोपैथी के साथ साथ अगर चल पाए और चल सकता है अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आप जिस किसी भी अगर बीमारी से ग्रसित हो तो आप कोशिश करें कि आप कोई भी सप्लीमेंट जो है वो डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर आपको जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, जो जो मेडिसिंस दे रहे हैं उनके हिसाब से वो आपको ज़्यादा बेहतर एडवाइस कर पाएंगे। कैन न्यूट्रीचार्ज व्यू हेल्प गेट रिड ऑफ स्पेक्टेकल्स? ये मैंने आपसे कहा, इस तरह की अभी तक कोई प्रमाणित रिसर्च नहीं है कि चश्मा उतर सकता है। कुछ टेस्टिमोनियल ज़रूर हैं कि चश्मा उतर सकता है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि तक न्यूट्रीचार्ज व्यू लेते रहेंगे और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, आप एक्सरसाइज भी करेंगे, आप अपनी बॉडी को एल्कलाइन भी बना करके रखेंगे, आप बीमारियों से भी बच कर रहेंगे, तो मुमकिन है कि चश्मा उतर जाए। न्यूट्रीचार्ज चश्मा उतरने की गारंटी नहीं देता है। ये प्रोडक्ट चश्मा उतारने के लिए नहीं बना है। ये प्रोडक्ट आपकी आंखों को क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए बना है। स्क्विंटाइज अगेन डॉक्टर को दिखाने का वो क्या कहते हैं टॉपिक है, सब्जेक्ट है। मैं स्क्विंट आई में, हम लोग न्यूट्रीचार्ज व्यू स्क्विंट आई में स्क्विंट आई को ठीक कर देगा इस बात की गारंटी तो छोड़िए, हम बोलते भी नहीं है कि स्क्विंट आई को ठीक करेगा। स्क्विंट आई जो है वो ल्यूटीन और जियाजेंथीन की कमी की वजह से नहीं हुई है। न्यूट्रीचार्ज व्यू ल्यूटीन और जियाजेंथीन की कमी को पूरा कर रहा है। तो अगर जो प्रॉब्लम
ल्यूटीन और जियाजेंथिन की कमी से हुई ही नहीं है तो वो उसका उसकी कमी को पूरा होने से ठीक भी होने का चांस नहीं है। फिर से वही चीज़ें हैं, स्क्विंट आई, नाइट ब्लाइंडनेस। मैं फिर से यही बोलूँगी, प्रिवेंशन है। और कुछ चीज़ों में लंबे समय तक अगर आप यूज़ करते रहें, बाकी चीज़ों का ध्यान रखते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, बीमारियों से दूर रहें, फैट कम हो, आपका खाना पीना बहुत सात्विक हो, ये सब का मिला जुला असर होता है, तो पॉसिबल है कि कुछ चीज़ों से आपको राहत मिल जाए। हाउ मेनी सप्लीमेंट शुड वी टेक टुगेदर, ये एक सवाल हर बार आता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगी एक बार लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। जिस तरह से हम खाने में, हमने कभी नहीं पूछा हम कितनी चीज़ें एक साथ खा सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स के लिए भी जब आप ये पूछते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से आप जो चीज़ खा रहे हैं वो आपके अलग अलग टेस्ट को केटर करती है, उसी तरह से जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपके शरीर के अलग अलग अंगों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए बने हैं। जैसे प्रोटीन मसल्स के लिए है, तो मल्टीविटामिन जो है न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए है। DHA जो है वो आपके ब्रेन के लिए है। ल्यूटीन और जियाजेंथिन आपकी आँखों के लिए है। उसी तरह से जो न्यूट्रीचार्ज S5 है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए है। तो इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग काम करते हैं। तो आप ऑलमोस्ट सारे सप्लीमेंट्स जो थेरेप्यूटिक नहीं हैं, ये वाले जो सप्लीमेंट्स हैं, रूटीन वाले जो सप्लीमेंट्स हैं, PVMF, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट, ये आप रूटीन में, न्यूट्रीचार्ज बायो एज, ये आप रूटीन में रोज़ाना ले सकते हैं। वक्त एक बार आप नोट कर लीजिए, PVMF को हमें लेना है सुबह नाश्ते की जगह या नाश्ते के साथ, और उसी के साथ आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी ले लीजिए। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, PVMF, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स और फाइबर प्लस ओ, यानी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। लंच के बाद में आप लंच के 10 मिनट बाद न्यूट्रीचार्ज S5 ले लीजिए, उसके करीब 20 मिनट बाद आप न्यूट्रीचार्ज व्यू ले लीजिए, और आप रात में खाना खाने के आधा घंटे बाद आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज ले लीजिए। तो इस तरह से आप सारे सप्लीमेंट्स एक दिन में ले सकते हैं। वक्त थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप ध्यान रखें। आइडियल टाइम पर मैंने आपको बता दिया है, एज एंड ड्यूरेशन पर भी हम बात कर चुके हैं कि आप 4 साल की उम्र से 2 दिन में एक बार ऑल्टरनेट डे पर दे सकते हैं। ड्यूरेशन लंबे वक्त तक आप दे सकते हैं क्योंकि ये आपकी आंखों में जमा होता रहता है। तो और जितना ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप डिसाइड करें। अगर एक वक्त ऐसा आए कि आपने लैपटॉप और मोबाइल और TV इन सब का इस्तेमाल कम कर दिया है, मतलब अगर आप संन्यास ले रहे हैं तो अगर आपने कम कर दिया है तो आप ल्यूटीन और जियाजेंथिन यानी न्यूट्रीचार्ज व्यू कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोजर हो रहा है, ब्लू रेज आपकी आंखों में जा रही हैं, जब तक जा रही हैं तब तक आपको लेना है, या जब तक आप अपनी आंखों को ठीक रखना चाहते हैं तब तक आपको लेना है। साइड इफेक्ट यही है कि आंखों की रोशनी सही रहेगी, आप बेहतर देख पाएंगे, आपकी नज़रें अच्छी रहेंगी, ये इसका साइड इफेक्ट है। बच्चे ले सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। अर्लियर पीपल नेवर टुक एनी प्रोडक्ट और सप्लीमेंट, तो अब क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है? इसका जवाब तो इनफैक्ट आप सबको अच्छी तरह से पता है, पहले लोगों के पास TV भी नहीं होता था। TV आया, उसके बाद मोबाइल आया, उसके बाद स्मार्टफोन आए, लैपटॉप्स आए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये पहले के लोगों के साथ नहीं होता था। दूसरा, पहले के वक्त लोग एक्सरसाइज बहुत करते थे, व्यायाम बहुत करते थे, रूटीन में हो जाता था क्योंकि वो काम इतना करते थे, शारीरिक मेहनत इतनी करते थे। आप रूटीन में देखिए, पहले झाड़ू पोछा हाथ से किया जाता था, नीचे बैठ के पोछा लगाया जाता था ज़मीन पर, तो एक्सरसाइज होती थी। आजकल क्या है, स्टैंडिंग मॉप आने लग गए हैं तो एक्सरसाइज बंद हो गई है। झाड़ू नीचे बैठ के लगाया जाता था, आजकल हम वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर देते हैं तो एक्सरसाइज बंद हो गई है। पहले कपड़े हाथ से धोए जाते थे तो आपकी मसल पावर बनी रहती थी क्योंकि आप उससे लकड़ी से कूट कूट के कपड़े धोते थे, वॉशिंग मशीन ने मेहनत कम बंद करवा दी है। तो पहले आप जो खाते थे वो घर में ही खाना बनता था और इतनी चीज़ें बनाने का ऑप्शन ही नहीं होता था। मुझे याद है मेरे बचपन में केक पेस्ट्री जो है वो सिर्फ बर्थडे पर
मेरी माँ बनाया करती थी और उसके अलावा नहीं बनता था। तो बनाने की कैपेसिटी थी, आता था, लेकिन फिर भी नहीं बनता था क्योंकि वो एक ट्रीट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। घर में बना खाना खाते थे, घर में बना भी सिंपल सात्विक खाना खाया जाता था। नॉर्मल दो सब्जी, एक सब्जी, एक दाल, रोटी, ये बनाई बनती थी। हमारे यहाँ पे जिस दिन चावल बनते थे उस दिन चपाती नहीं खाई जाती थी, रोटी नहीं खाई जाती थी। तो इस तरह से खाना पीना बहुत अलग था, व्यायाम हम करते थे, हम एक्सपोज्ड नहीं थे इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट की ऑक्सीडेंट्स और इतना पोल्यूशन नहीं था। तो सारा कुछ तो बदल गया है, इसलिए पहले के लोगों को सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि डाइट से मिल रहा था। आजकल डाइट से नहीं मिल रहा है, फलों और सब्जियों में भी पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, ऑर्गेनिक चीज़ें मिला करती थी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई है और बढ़ रही है तो ज़्यादा फ्रूट्स चाहिए, ज़्यादा वेजिटेबल्स चाहिए, ज़्यादा खपत है तो ज़्यादा उगाना पड़ता है, ज़्यादा उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से चीज़ें क्योंकि बदली हैं इसलिए पहले सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि खाने से पूर्ति हो जाती थी। अब सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उन न्यूट्रिएंट्स की हमारे खाने से पूर्ति नहीं होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके इस सवाल का जवाब आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से दिया और जितने सवाल थे आपके वो सब हमने मेरे ख्याल से हमने जवाब दे दिया है। तो आप न्यूट्रीचार्ज व्यू का यूज़ करना शुरू करें, अपने लिए यूज़ करना शुरू करें, ये आपकी आँखों को सुरक्षित रखेगा, आपके बिजनेस को ऑफ कोर्स बढ़ावा देगा और ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया में भी आपने वैल्यू फॉर मनी, ये स्लाइड अभी भी आपको दिखाई दे रही है तो आप देख रहे हैं कि कोई और प्रोडक्ट इसके मुकाबले का है ही नहीं। जब बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है तो हमारे पास दोनों चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए, हमारी आँखों की हेल्थ बेस्ट होनी चाहिए, हमारी बिजनेस की हेल्थ बेस्ट होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट जब बेस्ट है तो बाकी दोनों चीज़ों में बेस्ट बन के दिखाना है। इसी के साथ जे आर सी एम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।